कोई परिवार नहीं है, ना मेरा कोई आगे है, ना मेरा कोई पीछे है। और मैं चेन्नई में रहता हूँ, मेरा आश्रम में ही है। रामेश्वरम में मैंने 16 साल ईश्वर की सेवा की है। उसके बाद फिर मैंने अयोध्या में, मेरे गुरु जी रहते थे, उन्होंने 141 साल में अपना शरीर छोड़ा। आज मैं 104 साल का हूँ, आपके सामने बैठा हुआ। और अभी मैं जो मठ चला रहा हूँ वो बिहार में चला रहा हूँ। बिहार में हमारे दो मठ हैं, एक दरभंगा में और एक पटना के पास है हाजीपुर वाली जगह, वहाँ का महंत हूँ। अभी घूमते घूमते आया था, इनसे परिचय था, इन्होंने बोला भाई एक दो दिन के लिए आप मेरे पास आओ। इनके पास आए तो उन्होंने मैं आकाश जी के भी ले आए और यहाँ पर छी करवाए। ठीक है, महाराज जी 1936 में ग्रेजुएट हुए हैं। 1919 का पैदाइश हुआ। हाँ, 1919 का जन्म है और 1936 में 17 वर्ष की आयु के ग्रेजुएट हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी या संस्कृत और हिंदी तो है ही, तो सारी भाषाओं के ज्ञाता है। देखिए, हर एक का जीवन जो है ना, से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे बीच में महान विभूति हैं, इनके जीवन का तो हर एक पल ही शिक्षा का पन्ना है। तो जो है ना, उनका जीवन का तो बहुत ही मतलब शब्द नहीं है हमारे पास कि ये कहा जाए कि उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो ईश्वर के प्रतिरूप हैं हमारे बीच में वो, और कृपा करके उन्होंने वक्त निकाला और वो हमारे बीच में। पशु ही आगे बढ़ते रहें, बहुपुत्र लाभ हो आपको और 7 वर्ष की आपकी आयु, ये श्लोक आपको दीर्घायु होने की कामना। अच्छा, फिर और सबके लिए आशीर्वाद, वेद वाला मंत्र आप सभी लोग को आता ही है, फिर भी कहना हमारा जरूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सभी लोग दोहरा ही दो। सर्वे दुर्गन्नी पसंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे। सभी लोग अपने पालन करता है वही आदमी दीर्घायु में जाता है। संजय, अब जैसे भोजन है, हम लोग 3-4 टाइम करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जितने आपको आहार की जरूरत है वो लिमिटेड कैलोरीज काउंटेड है, उतने ही भोजन करो। हमारे यहाँ क्या होता है, भोजन देखते हैं हम, वो गले तक खा लेते हैं, नाक भी बंद हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा भोजन 1/4 आप एम्प्टी रखो, स्टमक खुला, और जहाँ तक हो कम भोजन में आप अपना जीवन निर्वाह करो, तभी ये आयु।
और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।